क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है विद्युत धारा और इसके चुंबकीय प्रभाव। क्या आप जानते हो कि धातु का कोई एक टुकड़ा, एक मेटल का पीस, इसमें अगर आप एक विद्युत धारा पास करते हैं तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। केवल यही नहीं, ये जो मेटल का पीस है ये एक मैग्नेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो बच्चों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, विद्युत धारा की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या ये अलग है? हाँ, इसको जानने के लिए मेथड जो यूज़ है उसको कहते हैं राइट हैंड ग्रिप मेथड। आप हाथ को ऐसे करिए, अगर विद्युत धारा की दिशा ऐसी है तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है। तो आप देख रहे हो ना, राइट एंगल पे है दोनों, इसको आप याद रखना। तो बच्चों, हमने देखा ये बार मैग्नेट के बाद। अब सोचो कि अगर इस मेटल को, इस धातु को एक गोलाकार रूप में दिया गया और उसमें से विद्युत किया, तब चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा? उस गोलाकार के हर पॉइंट पे एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ये हमारा सेक्शन लिया है हमने, तो इसलिए आपको केवल दो देख रहे हैं। और जो चुंबकीय क्षेत्र आप देख रहे हो, जो परिधि के बिल्कुल पास में जो वृत्त रेखाएं हैं, वो वहाँ सबसे ज़्यादा तीव्र है वो चुंबकीय क्षेत्र। और जैसे वो परिधि से दूर होती जा रही हैं, उसकी तीव्रता कम होती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे, बार का भी हमने देख लिया और एक गोल का भी देख लिया, पर अगर कई गोलाकार हो तब क्या होगा? इसको कहेंगे सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है? एक पतला सा तांबा का तार लो और उसको एक सिलेंडर के आकार में आप गोल गोल बनाओ, फिर उसमें से अगर आप विद्युत धारा को पास करोगे तो इसके भी चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाएगा। देखो इसको, और इस चुंबकीय क्षेत्र के, इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर का जो पोर्शन होगा, वहाँ की जो धाराएँ हैं वो सारी समांतराल लाइन में होगी और बाहर की धाराएँ ऐसे बनेगी। एक और चीज़ याद रखना, सिलेंडर के अंदर वाले पोर्शन में जो चुंबकीय क्षेत्र है, हर पॉइंट पे इसकी शक्ति इक्वल है। अब इसका प्रयोग भी थोड़ा हम समझते हैं। बिजली का पंखा देखा है ना आपने, जानते हो कैसे चलता है? इसी सिद्धांत को यूज़ करके इसके समझने के लिए ऐसा देखो आप। इस सिद्धांत का कहा गया है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का मेथड। इसको देखो, आप दो उंगलियां ऐसे करो, ये अगर विद्युत धारा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये हमने पहले भी देखा था, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र राइट एंगल पे होता है, सही है ना? जब एक सोलेनोइड को किसी धातु के अंदर रखा जाता है तो, और उसमें से बिजली पास की जाती है, तो वो जो बिजली की जो ऊर्जा है वो मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और वो एक बल का प्रयोग करती है। तो हमने अभी देखा ये बिजली की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और बल की दिशा होगा इसका राइट एंगल। ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड मेथड, देख लो। हमेशा याद रखना, बिजली की दिशा और चुंबकीय दिशा राइट एंगल, ठीक है, और चुंबकीय दिशा और बल राइट एंगल। ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड मेथड। चलो बच्चों, तो ये फैन में कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है? एक सिलेंडर लिया जाता है और उस पर तांबे का तार बड़ी बारीकी से लगा दिया जाता है, इसको कहते हैं आर्मेचर, और इसको एक धातु के सिलेंडर के बीच में रखा जाता है। इसका एक क्रॉस सेक्शन लिया तो ऐसे लगेगा। अब क्या होता है, जैसे आपने इसमें से बिजली भेजी, उस तार में से आपने बिजली भेजी, वैसे ही वो बिजली कन्वर्ट हो गई, बिजली ऐसे गई, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा रहा, और वो बिजली कन्वर्ट हो गई यांत्रिक एनर्जी में और उसने उस धातु को पुश किया। तो पर पंखा तो एक दिशा में नहीं चलता, पंखा तो इधर उधर दो दिशा में चलते हैं, तो इसको पंखे में कैसे इस्तेमाल होगा? हमने तो आपको एक दिशा का दिखाया, वो जाके धक्का मार रही है उधर, पर पंखे को चलाने के लिए दोनों दिशाएं में चलनी पड़ेंगी। इसलिए ये जो सोलेनोइड कॉइल है, इसके हर एंड पर, दोनों एंड पर एक छोटा सा चीज़ लगाई जाती है जिसको कहते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम है तरंग को वापस भेज देना। तो बच्चों फिर से एक बार देखो, आर्मेचर, आर्मेचर के ऊपर तार लगे हुए हैं, सोलेनोइड बन गया और इसको रखा गया धातु के बीच में। अब इसमें दोनों साइड पर कम्यूटेटर लगा दिया, जब आपने बिजली भेजी इसके अंदर से तो वो बिजली सीधी गई बिजली की दिशा, उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और उसने बल ऐसे द्वारा उसने धातु को धक्का मारा। फिर कम्यूटेटर ने बिजली को वापस भेज दिया, वो इधर आई, इधर आकर फिर वही वो जो बिजली का क्षेत्र है ऐसा, चुंबकीय क्षेत्र है ऐसा, और बल के क्षेत्र ऐसा, इसने इधर धक्का मारा। तो ये कम्यूटेटर उसको बिजली को घुमाती रहती है और उससे वो पंखा इधर 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 ऐसे चलने लगता है। तो बच्चों याद रखना, अगली बार जब आप पंखे को देखोगे, याद रखना कि ये बिजली की एनर्जी
को कन्वर्ट कर रहा है यांत्रिक एनर्जी में, और इसीलिए पंखा घूम रहा है, आपको हवा पहुंच रही है, याद रहेगा ना। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे बिजली को तो हमने यांत्रिक में कन्वर्ट कर दिया, क्या यांत्रिक को हम बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसका जो श्रेय दिया गया है ये गया है सर माइकल फैराडे का। माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक थे, वो एक दिन अपने लैब में कुछ गवेषणागार में कुछ काम कर रहे थे, और उनके पास एक ऐसा कॉयल बना हुआ था जिसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। अब देखो ये तटस्थ पोजिशन में है, यानी कि न्यूट्रल में है, गैल्वेनोमीटर जीरो दिखा रहा है, यहाँ बिजली नहीं है। तो वो एक बार मैग्नेट के साथ कुछ काम कर रहे थे और उनका वो एक्सपेरिमेंट सफल हो नहीं रहा था। गुस्से के मारे उन्होंने बार मैग्नेट को फेंका और वो मैग्नेट जाके उस कॉयल में चला गया, और जैसे मैग्नेट वो कॉयल में ऐसे घूमा, उसके अंदर गया, वैसे ही गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो घूमने लगा। माइकल फैराडे ने कहा ये तो तटस्थ है, तो नीडल क्यों घूम रहा है, क्या इस मैग्नेट के घुमाने से कुछ हुआ? तो वो मैग्नेट को वापस ले आए, फिर उन्होंने मैग्नेट को फेंका उसके अंदर, तो उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर चलने लगा है। तो उन्होंने जो अपना सिद्धांत लिखा वो ऐसा था, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एक कॉइल के अंदर अगर एक चुंबक को हिलाया जाता है तो वो प्रेरित करंट तैयार करती है या इंड्यूस्ड करंट तैयार करती है, और इस चीज़ को कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने बल का प्रयोग किया और हमने बिजली का उत्पन्न किया, तो इसकी दिशाएं कैसी रहेंगी? बच्चों एक बार पीछे जाके जरा सा याद करो, हमने क्या बोला कि ये वाली दिशा है विद्युत धारा की, और ये है चुंबकीय क्षेत्र की, और ये है बल की। अब हम देखेंगे राइट हैंड मेथड जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। अगर ये है बल की दिशा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी और विद्युत धारा की दिशा ऐसी, याद रहेगा आपको, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, दोनों में फिर से एक बार देखते हैं, विद्युत चुंबकीय बल, और इसमें देखो बल चुंबकीय विद्युत, याद रहेगा बच्चों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मेथड। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है यही प्रिंसिपल यूज़ किया गया है जनरेटर में, कभी कभी आप देखते हो ना दुकानों में घरों में जनरेटर चलते हैं, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से प्रेरित करंट इनका बनता है, इंड्यूस्ड करंट तैयार होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा करंट क्या एक ही तरीके का होता है? नहीं, करंट दो तरीके के होते हैं, एक है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट यानी कि एकादिश करंट, वो एक ही दिशा में चलती है, और दूसरा है एसी करंट और अल्टरनेटिंग करंट या परावर्तित करंट। ये क्या है इसको भी समझते हैं हम, ये करंट जाती है वापस आती है, जाती है वापस आती है, जाती है वापस आती है, परिवर्तन करके वापस आती है, और इस करंट को हर देश में जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं वहाँ ज़्यादातर एसी करंट ही तैयार होते हैं। इसको क्यों प्रेफरेंस दी गई है? क्योंकि इस करंट को आप दूर दूर तक भेज सकते हो और बहुत कम रिसाव होता है, लीकेज इज़ वेरी लिटल। भारत में एसी करंट जो है ये है 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड। अब इसको आप समझो, इसका मतलब है हर सेकंड ये जो बिजली है ये 50 साइकिल करती है, 50 साइकिल प्रति सेकंड, और एक साइकिल को एक हर्ट्ज कहा जाता है, इसलिए 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड। एक साइकिल में दो बार दिशा परिवर्तन होता है, ये देखो इधर से इधर गया और फिर वापस आया, इसलिए हम कहेंगे 50 हर्ट्ज में 100 बार दिशा परिवर्तन होता है। इन आंकड़ों को बच्चों थोड़ा याद रखना। चलो बच्चों अभी तो हमने देश की बात कर ली, अब हम अपने घर में आ जाते हैं। आप जानते हो ना आपके घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग की हुई है, अगर आप सर्किट बोर्ड को खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा। ये लाल वाला वायर देख रहे हो ना बच्चों, ये वायर लाल नहीं है, वायर का जो इंसुलेशन एक कोटिंग दी गई है वो लाल रंग का है, वायर तो तांबे का ही है, और ये जो वायर है इसको हम कहते हैं हॉट वायर या लाइव वायर। इस वायर से मेन से बिजली आ रही है, 220 वोल्ट की बिजली आ रही है, ये बहुत ही खतरनाक वायर है, और आपको अगर इसके साथ कुछ काम करना है तो सारे प्रिकॉशन लेके तभी इसको करना चाहिए, खाली हाथ खाली पांव कभी इसको नहीं छूना है। वो ब्लू वाला वायर देखो, उसको हम कहते हैं तटस्थ वायर या कोल्ड वायर। कोल्ड वायर क्यों? क्योंकि जो इस रेड वायर में जो बिजली आ रही है वो तो सारे साधनों में लग जाती है, और जो बिजली बच जाती है ना उसको ये वायर वापस भेज देती है जहाँ से आई है। तो इसका जो वोल्टेज है ये नॉर्मली अराउंड जीरो या जीरो के करीब ही कुछ रहता है। तो आप सोच रहे होंगे इसके लिए एक वायर बहुत ज़रूरी है, ये वायर, क्योंकि ये जो थोड़ी सी भी बिजली रह जाती है ना तो वो अगर इसको वापस नहीं भेजा जाए तो जिस जो भी उपकरण आपका है, लाइक फॉर एग्जांपल आपका फ्रिज है, तो ये ना फ्रिज के जो मेटालिक वॉल्स हैं, जो धातु के दीवार हैं फ्रिज के, उसमें ये करंट आ जाएगी, आप फ्रिज को छुओगे तो आपको झटका लगेगा,
इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये वापस ले जाए। कभी कभी ये वायर काम नहीं करती है और तब चांस होता है इलेक्ट्रिक शॉक लगने का, इसीलिए एक तीसरा वायर है, ये ग्रीन वाला वायर देख रहे हो, इसको कहते हैं अर्थ वायर। इसको अर्थ के साथ जोड़ दिया जाता है क्योंकि भूमि के बीच में एक बहुत बड़ा धातुव पिंड है जो एक्स्ट्रा बिजली होती है ना वो खींच लेती है, उसको वहाँ ले जाती है, इससे हमारे घर में सेफ्टी आ जाती है। बच्चों आपकी नज़र ज़रूर इस पर पड़ रही है और आप सोच रहे होंगे ये फ्यूज़ का तो आपने बताया ही नहीं, आपको मैं बताऊँगी पर दो मिनट में। पहले आप देखो हमारे घरों में बिजली के बहुत सारे साधन होते हैं, किसी के घर में लाइट, फैन, फ्रिज, एसी, कूलर, बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में होती है, तो ये इनको कैसे लगाया जाता है, घर का जो सर्किट है उसको हम कहते हैं पैरेलल सर्किट। ये पिक्चर देखो, ये एक घर है जहाँ लेटेस्ट से तीन कमरे हैं, हर कमरे में एक लाइट है, इन लाइट्स को पैरेलल सर्किट में लगाया गया है और हर सर्किट का अपना स्विच है, आप कमरे में गए अपने स्विच जलाया उस कमरे की लाइट जल गई, बाकी दोनों की नहीं जली। अब एक सिचुएशन आप लो कि आपके घर में तीन लाइट है, आपने तीनों लाइट जला रखे हैं, यानी कि सर्किट आपका फुल लोड पर चल रहा है। अब इसमें आपने एक हेयर ड्रायर लगा दिया, अब हेयर ड्रायर ने बहुत ज़ोर से बिजली खींची, अब इसके लिए वो फ्यूज़ जो है ना, ये फ्यूज़ उस वक्त ट्रिप कर जाती है। क्यों ट्रिप करती है? ताकि वो जब इतना बिजली खींचती है ना, चांसेस है कि आपके जितनी वायरिंग है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और आपके घर में आग लग सकती है, इसलिए वो ट्रिप करके बिजली के स्रोत को काट देती है। फिर जब आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो वो आके आपसे पूछते हैं आपने ओवरलोड किया था, ऐसा कुछ लगाया होगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया था। यही प्रिंसिपल है फ्यूज़ का, याद रहेगा बच्चों कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ना फ्यूज़। बच्चों एक चीज़ आप ज़रूर याद रखना, हम सबके घर में बिजली के दो सर्किट होते हैं, एक सर्किट होता है 5A रेटिंग के उपकरण के लिए जैसे बल्ब, जैसे पंखा, और एक होता है 15A रेटिंग के लिए जैसे फ्रिज, जैसे कूलर, जैसे प्रेस, इन सब चीज़ों के लिए। हाँ, अलग चीज़ को अलग में हम कभी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उसकी जो सॉकेट होती है वो अलग होती है और उसकी जो प्लग होती है वो भी अलग होती है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर विद्युत धारा और उसके चुंबकीय प्रभाव, ये सारांश को आप जरूर देख लेना। तो आप ऐसा करो कि आप पहले ये वीडियो को देख लो फिर आप चैप्टर को पढ़ लो, जहाँ भी आप अटक जाओगे वापस आके वीडियो को देखना, पूरा चैप्टर आपके मन में क्लियर हो जाएगा और आप अब एग्जाम्स में अपनी भाषा में सुंदर से सुंदर आंसर लिखना, पक्का आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो बच्चों आप एक लाइक बटन दबा दो और अगर सब्सक्राइबर नहीं बने हो तो सब्सक्राइब बटन डाल दो और ऑल दबाने मत भूलना बिल्कुल, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए सुंदर से सुंदर नए नए वीडियो ला रहे हैं। देखते रहना कोशिश।